जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, झारखंड की गांडे विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए कल्पना सोरेन का नाम फाइनल कर दिया गया है। ऐसे में अब ये कयास लगने लगे हैं कि क्या झारखंड को एक नया सीएम मिलने जा रहा है, क्योंकि 4 जून को मतगणना होगी, 4 जून को परिणाम आएंगे और उसके बाद जब कल्पना सोरेन विधानसभा में निर्वाचित हो जाएंगी तो क्या कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बनेंगी, इस पर चर्चा आज करेंगे। लेकिन इसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उनको लाइक और शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, 31 जनवरी 2024 को हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप था कि रांची में ज़मीनों की खरीद बिक्री की, उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की गई और उनको गिरफ्तार कर लिया और इसके बाद झारखंड की राजनीति से हेमंत का मौसम चला गया और चंपई रंग सत्ता पर छा गया। तो सत्ता की कमान, सत्ता की बागडोर सोरेन परिवार से निकलकर एक दूसरे सोरेन के हाथ में चली गई जो शिबू सोरेन के परिवार का नहीं है, ये हैं चंपाई सोरेन। लेकिन सत्ता की बागडोर, सत्ता का रिमोट अभी भी सोरेन परिवार के पास ही है, क्योंकि ऐसा नहीं होता दोस्तों तो चंपाई सोरेन सत्ता संभालने के महज 50 दिन के भीतर 2 बार हेमंत सोरेन से जेल में जाकर नहीं मिले होते। हम जानते हैं कि सत्ता में सोच बदलने की ताकत होती है, सत्ता और कुर्सी महत्वाकांक्षाएँ भी पैदा करती हैं और कुर्सी छोड़ने में नेताओं को कितनी तकलीफ होती है ये हमने पहले भी देखा है, बिहार में भी देखा है जब नीतीश कुमार ने अपने सबसे भरोसेमंद जीतन राम मांझी को सीएम की कुर्सी सौंपी थी। उनको भरोसा था कि जीतन राम मांझी उनके विश्वास पात्र हैं, कमज़ोर हैं, जब कहेंगे तब कुर्सी से उतर जाएंगे। लेकिन आज नतीजा यह है कि जीतन राम मांझी अपनी अलग पार्टी चला रहे हैं। जीतन राम मांझी की चर्चा इसलिए कर रहा हूं दोस्तों क्योंकि गांडे उपचुनाव के मैदान में हेमंत सोरेन की पत्नी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन सक्रिय हो गई हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर कल्पना सोरेन चुनाव जीत जाती हैं तो क्या वे सिर्फ एक विधायक बनकर रहेंगी, क्योंकि 31 जनवरी को हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के ठीक एक दिन पहले आपको याद होगा विधायक दल की बैठक थी और हेमंत सोरेन तब मुख्यमंत्री थे। कहा जा रहा था कि वे दिल्ली में थे, 3 दिन से लापता थे और सीधे वे मुख्यमंत्री आवास कांके रोड में विधायक दल की बैठक में प्रकट हुए थे और वहाँ कल्पना सोरेन पहली बार नज़र आई थी और उस समय ये बहुत तेज चर्चा होने लगी थी कि कल्पना सोरेन अगली मुख्यमंत्री हो सकती हैं और अगर हेमंत सोरेन गिरफ्तार होते हैं उनको इस्तीफा देना पड़ सकता है तो सत्ता कल्पना सोरेन को सौंप दी जाएगी। लेकिन ये माहौल बनता उसके पहले ही भाजपा ने रंग में भंग कर दिया और भाजपा की तरफ से ये कहा जाने लगा कि जिस राज्य में 1 साल के भीतर चुनाव होना है वहाँ उपचुनाव नहीं हो सकता। बाबूलाल मरांडी जो झारखंड भाजपा के अध्यक्ष हैं और डॉक्टर निशिकांत दुबे जो गोड्डा से बीजेपी के सांसद हैं, इन लोगों ने अपने ट्विटर अकाउंट पर, सोशल मीडिया अकाउंट्स पर तमाम हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले लगाकर ये बातें लिखनी शुरू कर दी थी। उसके ऊपर से सीता सोरेन जो अब सोरेन परिवार और झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों को छोड़कर बीजेपी के पाले में जा चुकी हैं, उन्होंने भी सार्वजनिक बयान देने शुरू कर दिए थे कि हेमंत सोरेन को तो उन्होंने नेता मान लिया था लेकिन कल्पना सोरेन को किसी भी हाल में वे मुख्यमंत्री या नेता स्वीकार नहीं करेंगी। बगावत के स्वर उनके तभी से फूटे थे और इस बात को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा कहीं ना कहीं दुविधा की स्थिति में था और झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी कहीं ना कहीं ये लगने लगा था कि अगर कल्पना सोरेन को विधायक दल का नेता चुना जाता है तो शायद कहीं राज्यपाल उनको मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने से इनकार न कर दें और इसीलिए दूसरी पसंद यानी सेकंड चॉइस के रूप में चंपई सोरेन का नाम आगे किया गया और उनको विधायक दल का नेता चुनकर मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। लेकिन दोस्तों, कई राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि हेमंत सोरेन की कल्पना सोरेन को गांडे से लड़ाने की मंशा उसी दिन जाहिर हो गई थी जब सरफराज अहमद ने गांडे सीट से इस्तीफा दे दिया था और स्पीकर ने उसी दिन उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया था। लेकिन हेमंत सोरेन की यह रणनीति काम नहीं आई। अब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने का रिस्क उठाएंगे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से उन पर अवसरवादी होने का आरोप लग जाएगा और उस पर से नाराज चल रहे लोबिन हेम्ब्रम और दूसरे नेताओं को सवाल उठाने का मौका भी मिल जाएगा। राजनीतिक प्रेक्षकों का कहना है कि हेमंत सोरेन यह भी समझते हैं कि अगर वह कल्पना सोरेन को आगे करते हैं तो कहीं चंपाई सोरेन भिदक न जाएं और अगर ऐसा होता है तो पार्टी बिखर जाएगी, क्योंकि खराब स्वास्थ्य के कारण
गुरु जी जो सर्वमान्य नेता हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, अब सबको एक साथ लेकर सबको जोड़कर रखने की स्थिति में नहीं है। ऐसे लोगों का कहना है कि कल्पना सोरेन को अब इसलिए गांडीय के उपचुनाव में उतारा जा रहा है ताकि पावर सिस्टम में बैलेंस बनाया जा सके। कल्पना सोरेन चुनाव जीत जाती हैं तो वह चंपई सोरेन यानी सरकार और हेमंत सोरेन के बीच एक ब्रिज का काम करेंगी, लिहाजा सीएम का चेहरा बदलने की संभावना नहीं दिख रही है। लेकिन संभावना तो बनती है दोस्तों, क्योंकि सत्ता हमेशा महत्वाकांक्षा को जन्म देती है। हेमंत सोरेन को मजबूरी में चंपई सोरेन को कुर्सी देनी पड़ी थी, लेकिन चंपई सोरेन को कुर्सी देने के बाद अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर ही कई लोग नाराज़ हैं, असंतुष्ट हैं। खास करके मंत्रियों में बहुत खलबली है। जिस तरह से पिछले दिनों कांग्रेस कोटे के 4 मंत्रियों ने दबाव बनाया था, कैबिनेट की बैठक में नहीं जाने की बात कही थी, और ये बातें फैलाई गई थी कि मंत्रियों के कामकाज में सीएमओ से हस्तक्षेप किया जाता है, अधिकारियों को बिना पूछे बदल दिया जाता है, यही स्थिति झारखंड मुक्ति मोर्चा में है। नाम नहीं बताने की शर्त पर ऐसे कुछ मंत्रियों के नज़दीकी लोगों ने बताया कि बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है और मंत्री इस बात को लेकर बहुत नाराज़ हैं, लेकिन चूंकि वे पार्टी के नियम कायदे से बंधे हैं, बंधन में हैं, इसलिए बोल नहीं पाते हैं। और सिर्फ सोरेन परिवार ही एक ऐसा परिवार है जिसके नाम पर सबको एकजुट रखा जा सकता है। तो ऐसे में अगर हेमंत सोरेन को चंपई सोरेन के नाम पर ही सरकार चलानी होती तो उन्होंने गांडे सीट खाली कराकर वहाँ कल्पना सोरेन को उपचुनाव लड़ाने का फैसला क्यों किया होता? दोस्तों, अपनी गिरफ्तारी की संभावना को देखते हुए ही हेमंत सोरेन ने कल्पना सोरेन के लिए गांडे की सीट खाली कराई थी, सरफराज अहमद से इस्तीफा दिलाया था, बदले में उनको राज्यसभा भेजा था। इसलिए इस बात की पूरी संभावना है कि कल्पना सोरेन के चुनाव जीतने पर झारखंड में मुख्यमंत्री का चेहरा बदलेगा, यानी 4 जून के बाद झारखंड की सियासत एक बार फिर बदलती हुई दिखाई देगी। और जहाँ तक अवसरवाद और परिवारवाद की बात है दोस्तों, तो जो परिवारवादी पार्टियाँ हैं उनमें इन सब बातों की चिंता नहीं की जाती। अगर इस बात की चिंता की जाती तो बसंत सोरेन को आखिर मंत्री क्यों बनाया जाता? पहले सीता सोरेन को मंत्री बनाने की बात हो रही थी, किन्हीं कारणों से उनको मंत्री नहीं बनाया गया, उसके बाद बसंत सोरेन को जगह दी गई। तो अगर परिवारवाद नहीं होता तो बैजनाथ राम मंत्री बन गए होते, जिनके नाम से नियुक्ति का वारंट बन चुका था, राजभवन से उनको वारंट जारी हो चुका था शपथ ग्रहण करने के लिए, लेकिन रास्ते से उनको रोका गया और वापस किया गया। बैजनाथ राम नाराज़ भी हुए, ड्रामा भी किया, बाद में मान गए। तो अगर परिवारवाद नहीं होता तो बसंत सोरेन आज मंत्री की कुर्सी पर नहीं होते। तो परिवारवाद जेमे में कोई बड़ी समस्या नहीं है। दूसरा ये कि जितने दिन हेमंत सोरेन जेल में रहेंगे और सत्ता उनके हाथ में नहीं रहेगी तो उनकी पकड़ पार्टी से धीरे धीरे छिटकती जाएगी और कई लोगों की महत्वाकांक्षा फूटने लगेगी। इसलिए ज़रूरी है कि अगर हेमंत सोरेन जेल में रहें तो कम से कम कल्पना सोरेन के हाथ में बागडोर हो, ताकि महत्वाकांक्षाओं को नियंत्रित किया जा सके, पार्टी का जो बैलेंस है वो बिगड़ने न पाए। जहाँ तक बात यह है कि अगर चंपई सोरेन को हटाया जाएगा तो क्या वे बागी बन जाएंगे, तो इसकी संभावना जीरो है, निल है। क्योंकि एक तो चंपई सोरेन सीधे साधे नेता हैं, महत्वाकांक्षी नहीं हैं, सोरेन परिवार के करीबी हैं, लंबे समय से हैं, शिबू सोरेन से लेकर हेमंत सोरेन तक के काफ़ी नज़दीकी रहे हैं और यही कारण है कि उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। दूसरा, चंपई सोरेन के अंदर नेतृत्व की क्षमता नहीं है, लीडरशिप क्वालिटी जिस तरह की होनी चाहिए मुख्यमंत्री बनने के लिए, कोई पार्टी बना लेने के लिए या कोई पार्टी तोड़ देने के लिए, वो चंपई सोरेन के अंदर दिखता नहीं है। और तीसरी बात कि चंपई सोरेन कोल्हान से आगे सोच भी नहीं पाते हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उनकी ज़्यादातर गतिविधियों को आप देखेंगे तो वो कोल्हान के क्षेत्र में ही रहे हैं, तो कोल्हान तक ही सीमित हैं चंपई सोरेन, जबकि किसी पार्टी का या सरकार का नेतृत्व करने के लिए आपको पूरे झारखंड की स्वीकार्यता होनी चाहिए, पूरे झारखंड के नेताओं से, पार्टी के नेताओं से, गठबंधन के नेताओं से अच्छा तालमेल होना चाहिए, जो चंपई सोरेन में नहीं दिखाई देता है। और पार्टी के दूसरे विधायकों के साथ भी उनका जुड़ाव उतना नहीं है। कोल्हान में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो विधायक हैं वे गुरुजी या हेमंत सोरेन के ज़्यादा नज़दीक हैं, चंपई सोरेन से ज़्यादा करीबी उनकी नहीं है। तो इन सब परिस्थितियों को अगर देखेंगे तो साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि कल्पना सोरेन के हाथ में सत्ता देने की कवायद चल रही है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा को 2024 के दिसंबर महीने में विधानसभा चुनाव में ही जाना है। और अगर विधानसभा चुनाव को जीतना है या सरकार वापस बनानी है तो चुनाव कैंपेन को, इलेक्शन कैंपेन को लीड करने के लिए कोई सोरेन होना चाहिए, या वो हेमंत सोरेन हो या वो कल्पना सोरेन हो, क्योंकि शिबू सोरेन यानी गुरुजी अब चुनावी सभाओं को, चुनावी रैलियों को संबोधित करने में असमर्थ हैं और वे इस हालत में नहीं हैं
शारीरिक हालत में कि कम से कम किसी इलेक्शन कैंपेन को लीड कर सके, चुनावी रणनीतियां बना सके। और इस बात में कोई संदेह नहीं है कि हेमंत सोरेन न सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा के बल्कि गठबंधन के सर्वमान्य नेता हैं। तो ऐसे में चंपई सोरेन की भूमिका बहुत सीमित हो जाएगी और इस बात की संभावना भी नहीं होगी कि आगामी चुनाव में सीटों को लेकर जो तालमेल की जो बात होगी गठबंधन के सहयोगियों के साथ, या फिर वोट मांगने के लिए चुनाव कैंपेन की बात होगी। तो अगर कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी रहेंगी तो वे बेहतर तरीके से पार्टी को, सरकार को और गठबंधन को चला पाएंगी, क्योंकि उनके पीछे हेमंत सोरेन हैं और कल्पना सोरेन की हर बात को, उनके हर फैसले को हेमंत सोरेन की बात, उनकी राय और उनका फैसला माना जाएगा। तो मुझे लगता है कि 4 जून को जब लोकसभा चुनाव के साथ साथ गांडे विधानसभा उपचुनाव का फैसला आएगा, उसके बाद झारखंड की तस्वीर बदलेगी, झारखंड का चेहरा बदलेगा और हो सकता है कि चंपई सोरेन की जगह कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बने। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो कर लीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।